दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आज हूँ पदम व्यास जी के साथ। जी हाँ, पदम व्यास जी जो बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हैं। आओ उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का सफ़र जानते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक्स। पदम जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। पदम जी आप सबको इतना लजीज खाना खिलाते हैं एंड हिमालय सॉल्ट को आप हमेशा प्रमोट करते हैं, हम हमेशा देखते हैं। सो आप थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएंगे, अब तक आपने कितनी हज़ारों पार्टीज़ कर दी हैं, कितने कैटरिंग की है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपको कुकिंग की दुनिया में आप कैसे आए एज ए मास्टर शेफ। एक्चुअली आपने मुझसे बोला कि मैंने कैटरिंग तो देखो होती रहती है, जो जैसे कैटरिंग कराना चाहे। और हिमालयन सॉल्ट जो मैंने नाम रखा हुआ है वो मेरा अपना है और मेरा अपना बिजनेस है, वो हिमालयन सॉल्ट सिडनी के नाम से। और इसके अंदर जितना भी मैं खाना बनाता हूँ, आपके सामने मैंने अभी खाना जो बनाया है और जो मैं आपके साथ बना चुका हूँ पहले भी और जो बना रहा हूँ, शायद ही कोई सिडनी में ऐसा बंदा है जो हिमालयन सॉल्ट के साथ खाना बनाता है। लोग घर पर ज़रूर बनाते होंगे क्योंकि उसके अंदर कई चीज़ें वो देखते हैं कि इट्स गुड फॉर ब्लड प्रेशर, इज़ गुड फॉर डायबिटीज़, इज़ गुड फॉर, क्योंकि वो नेचुरल है। तो मैं उसी के साथ खाना बनाता हूँ और तो वो उसकी कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा होती है लेकिन उस खाने का मज़ा ही अलग है। अगर आप कई किस्म के स्पाइस देखें जो कि इम्पोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान इंडिया से, उसके अंदर हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो मैंने अपना नाम जो है आज से 6 साल पहले रख दिया था, ये हिमालयन सॉल्ट सिडनी। और मैं अपना खाना अलग ही तरीके से देता हूँ जो कोई भी रेस्टोरेंट उसको कंपेयर नहीं कर सकता और ना ही किसी के रेस्टोरेंट में उसी तरीके का खाना मुझसे बनवाता ही कोई नहीं, तो मैं कैसे बना दूँगा उसको। लेकिन मैं अच्छा खाना हर रेस्टोरेंट के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे उनका रेस्टोरेंट चलता है उसके हिसाब से। लेकिन ये खाना जो है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और ये इंडियन खाने के लिए एक अलग सी इमेज है। लेकिन इसको कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो उसकी मर्जी। तो मैंने जो इसके अंदर जो खाना जब मैं बनाता हूँ तो हिमालयन सॉल्ट जो है पिंक सॉल्ट वो आपका फ्लेवर बिल्कुल चेंज करता है। और आपने मार्केट के अंदर भी देखा होगा कि हिमालयन सॉल्ट जो है मार्केट के अंदर हर चीज़ के अंदर अभी आ रहा है और उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत जगह यूज़ किया जा रहा है। और हम किसी भी, अब जैसे मैंने अभी जैसे कोई भी खाना मैं बना रहा हूँ तो जो भी खाना है उसका जायका और उसकी जो ग्रेवी है उसका जो मैं उसमें जो मैं अपना बनाया हुआ टोमेटो पेस्ट यूज़ करता हूँ या अपना बनाया हुआ जिंजर और गार्लिक पेस्ट यूज़ करता हूँ वो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, तो उसका एक अलग समझ है। आपको कितने साल हो गए हैं एज ए शेफ ऑस्ट्रेलिया में, और आप इंडिया भी करते थे? 30 साल तो ऑस्ट्रेलिया में हो गए। 30 साल दोस्तों कितना लंबा सफ़र है ये। और आप कह सकते हैं कि शायद 30 साल 5 साल गल्फ में, गल्फ एयर के साथ जब काम किया मैंने, लुफ्तांसा के साथ काम किया, और उसके बाद मतलब उसमें जब शुरुआत की है दिल्ली से, दिल्ली ओबरॉय से, ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल, और जब मैंने वहाँ से काम किया है तो समझ लिया आपके 40 साल का एक टाइम गुजरता चला गया इसी काम को करते हुए। तो ये कोई मैंने ऑस्ट्रेलिया आके नहीं सीखा बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आके इनको सिखाया ही है। तो जब हम आए थे तो तब होता था, लेकिन आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर चाइना से शेफ़ आया या कोई इंडिया से आया है या कोई वेस्टर्न वर्ल्ड से, फ्रांस से आया है या नीदरलैंड से आया है, तो वो लोग सिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाने के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वहाँ खड़ा हो गया जब फ्यूजन कुकिंग आ गई और हम इंडियन कुकिंग को फ्यूजन में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। तो वही है, तो जो मैंने हिमालयन सॉल्ट जो बनाया हुआ वो हिमालयन सॉल्ट जो है वो एक लग्जरी कैटरिंग के नाम से है और हमने इस तरीके की कैटरिंग मैंने की भी है लेकिन बहुत कम लोग करवाते हैं कि खाना देने का एक अंदाज होना चाहिए। अंदाज में बात होती है, बात में अंदाज होता है, ठीक है जी। तो अगर आप देना चाहो तो कुछ दुनिया को दिखाओ ना कि हिंदुस्तानी खाना क्या है, भारतीय खाना क्या है, इंडियन फूड क्या है, इंडियन कुजीन क्या है। आप क्यों नहीं बताना चाहते, आओ ना ज़रा बताओ, मुझको भी बताओ, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है दिल से, तो उसके बीच में आपको अगर कुकिंग आती है, आप अपनी रेसिपी हमारे साथ और सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप आइए और हमें कुछ बना के खिलाइए और सबके साथ शेयर कीजिए किस तरीके से ये बनती है।
कहा कैसे कि अभी शारदा जी आए थे, उन्होंने हमें गुलाब जामुन खिलाए, और ऐसे ही आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, और सबके साथ अपने खाने का टेस्ट, अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, और पदम जी उसको कैसे कि कुछ आपको इतने सीनियर शेफ से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। पदम जी कैसे कि आपको 40 साल का एक तजुर्बा है, कभी आपको लगा कि सबसे आपकी बड़ी पार्टी, बड़ा इवेंट, बड़ा बड़ी कैटरिंग कौन सी थी? देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कैटरिंग करते हैं कि 200, 300, 400 इतने ही करते हैं, लेकिन बड़ी कैटरिंग जगह करने का मज़ा लेना है तो हिंदुस्तान, इंडिया, हज़ारों लोग नंबर वन, और इंडियन हॉस्पिटैलिटी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। यूएसए भी कुछ नहीं है सर। आपको पता हो ओबराय को किसी टाइम पे अवार्ड मिला था, क्यों? इसीलिए मिला था क्योंकि उससे उसने जितनी जल्दी प्रोग्रेस किया और जितना हॉस्पिटैलिटी में इंडिया नंबर वन है, इस बात को आप मान के चलो किसी भी बात के लिए, और हमारा एक अलग सा ही उसके अंदर मज़ा है। और जैसे आप देखिए, आप दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाइए, आप बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं, अभी तो खैर और छोटी सिटियों के अंदर भी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अमृतसर में हो गया, या आप चले जाएँ सूरत में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, या फिर चेन्नई में हो गया, सब जगह हो रहा है। लेकिन आप दिल्ली में जाए, ताज पैलेस के अंदर जाएँ, एक ही टाइम पे 10-10 हज़ार की पार्टी चलती है, एक एक बैंकेट में 4 हज़ार की चल रही है, एक बैंकेट में 4 हज़ार की चल रही है, एक ही मेन किचन होती है, वहाँ से खाना उठता है और उसकी प्लानिंग की जाती है। क्यों नहीं, मैं इस कैपेसिटी में काम करता हूँ, करता था और आगे भी करता हूँ। और आपने बोला कि सबसे ज़्यादा खाना किसका उठता है, एक 380 एक जहाज का खाना, उसमें कितना आदमी बैठता है, 400 आदमी बैठता है उसके अंदर जी। तो सर उसका खाना जब बनाते हो आप टीम के साथ, तो वो कैटरिंग से ज़्यादा खाना होता है, और उस खाने को हाइजीनिकली आप कैसे प्रोड्यूस करते हो कि आज बनाया है कल आपने और एयर खाना उसको, तो उससे बड़ी और चीज़ क्या होती है। और मैंने किया, मैं कॉन्टैक्ट में 15 साल काम करता रहा जी, मैंने किया, मैं गल्फेयर के लिए काम करता रहा, मैंने उसमें भी किया। तो आपकी बड़ी कंपनी जितनी भी गेट गोर में होगी, ठीक है, उसके लिए काम किया, कैटर एयर के लिए काम किया, ये तो मैं आपको यहाँ पे एंसेट ऑस्ट्रेलिया किसी टाइम की बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी थी, और उनकी अपनी कैटरिंग भी होती थी सिडनी के अंदर, मैंने उसके लिए भी काम किया। तो आप बचपन में जब शुरू हुए थे, क्या एक शौक को लेके शुरू हुए थे, हॉबी को लेके कुकिंग में आए, या आपको कैसे लगा कि दिस इज़ माय लाइन, दिस इज़ माय वे टू गो? आप चला था मैं अकाउंटेंट बनने, लेकिन बन गया मैं कुक। ओह वाओ। तो पदम जी, जो आपने अभी सबको, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुकिंग को किस तरीके से किया जाए, आपके इतने 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ? कुकिंग को ऐसा किया जाए कि आपको कोई बोले या वाकई में इसने कुकिंग की है दिल से। दिल से। तो दोस्तों, दिल से प्रोग्राम हम लेके आएंगे, और आज मेरे साथ है पदम जी, जिनका 40 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं, और आप भी हमारे प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त लेते हैं, इसी के साथ प्रोग्राम का नाम स्टार टॉक, और मेरे साथ पदम, नमस्कार।